Good morning, children. In this video, we shall discuss our new chapter, chapter number 11, and the name of this chapter is The Human Eye and the Colorful World. Human eye के साथ में colorful world को क्यों जोड़ा गया है? इसको समझने से पहले मैं आपसे एक मिनट की activity कराना चाहूंगी. Just close your eyes and visualize the lifestyle of a blind person. किस तरीके से एक ब्लाइंड पर्सन मॉर्निंग से लेके नाइट तक अपनी डेली रूटीन को जीता है. जरा सोच के देखिए बेटे, एक दिन के लिए सपोज कीजिए कि भगवान ने हमसे अपनी आंखें ले ली हैं. कैसे एक ब्लाइंड पर्सन सुबह उठ के वॉशरूम जाता है, नहाता है, अपना ब्रेकफास्ट करता है, रेडी होके वो अपनी ड्यूटी पे, अगर स्टूडेंट है तो स्कूल जाता है और अगर एल्डर पर्सन है तो वो अपने ऑफिस में जाता है. अपनी ड्यूटी करके आके किस तरीके से वो घर पहुंचते हैं और कैसे वो अपनी इवनिंग की लाइफ को जीते हैं. सोच के देखिए बेटा कि क्या उनको दिन और रात में कुछ फर्क नजर आता है? जी नहीं बच्चों, उनके लिए दिन और रात दोनों एक समान है. नाउ ओपन योर आईज एंड थैंक्स टू गॉड एज वी ऑल आर गिफ्टेड विद दिस वंडरफुल बॉडी ऑर्गन्स आईज. With the help of our eyes, we can visualize this colorful world. बिल्कुल सही बात है बेटा. गरम और ठंडे को आप टच करके फील कर सकते हैं. अगर किसी चीज का टेस्ट करना है तो आप बिना आंखों के कर सकते हैं. और अगर कोई साउंड सुननी है तो उसमें भी आईज की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर इस सुंदर संसार को देखना है तो उसके लिए आंखें होनी बहुत जरूरी है. अब आंखें इतनी जरूरी है तो इसकी स्ट्रक्चर भी हमें आनी चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी आईज लोकेट कहाँ होती है. बेटा गर्दन से ऊपर का जो ये हमारा बोन का स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड स्कल. एंड आवर आईज आर लोकेट इन द बोनी कैविटी. ये यहाँ पे इस स्कल में ये वाली पूरी बोनी कैविटी होती है, इसके अंदर ये लोकेट होती है. अब बाहर से अगर इनको अपनी आईज को देखेंगे तो वो किस तरीके की दिखेगी, मैं थोड़ा सा उसको कंपेयर कर देती हूँ ये अनियन के साथ. ये मेरे हाथ में प्याज है, मैंने इसका आउटर कोट उतार दिया है, बाहर का इसका कोट उतार दिया है, तो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको. और ये जो फिंगर्स हैं, इनको वो इनका आप नाम सोच लीजिए कि ये होती है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो कि इस आई बॉल को होल्ड करके रखती है. यही मसल्स आई बॉल की मूवमेंट में हेल्प करती है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन. तो वो मूवमेंट कौन करा रही है? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स. और शेप कैसी दिख रही है? ये अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल शेप का आपको दिख रहा है. बाहर का ये वाला पूरा रीजन ये हो गया और सामने से थोड़ा सा बल्ज दिख रहा है आपको. ठीक है, ग्रीन कलर जो दिख रहा है ये आउटर लेयर नहीं है. ये अभी हम डिटेल में इसकी स्ट्रक्चर करेंगे. और जो ये उभरा हुआ पार्ट है इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट रीजन आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया. ग्रीन कलर जो कि आई के कलर को डिटरमाइन करता है उसको हम बोलते हैं आईरिस. अब ये जो जिस आई बॉल मैंने पकड़ा हुआ है इसकी आईज जो है वो ग्रीन कलर की है. तो आईरिस जो है वो आई के कलर को डिटरमाइन करता है. सामने से ओपन करके खोल के देखते हैं तो हमारी आई कैसे दिखती है? बिल्कुल इस टाइप की. ये आई बॉल डायग्राम में हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. अब यहाँ पर देखिए ये आईब्रो है, दीज आर द आई लिड्स. और ये जो पूरा व्हाइट रीजन आपको दिखाई देता है इसको हम बेटा बोलते हैं स्क्लेरा. इसके बीच में जो सर्कुलर रीजन है, जैसे इसमें ग्रीन है, हमारी इंडियंस की मैक्सिमम की आईज में कैसा होता है? ब्राउन कलर का, ब्लैक भी होता है तो कुछ में ब्लू कलर का भी होता है. सो दिस रीजन इज कॉल्ड आयरिस. और आयरिस के बीच में एक ब्लैक होल होता है. अपने आईज में देखिए जरा मिरर के सामने जाके, तो जो ब्लैक होल होगा दैट इज कॉल्ड प्यूपिल. एक्चुअल में वही रास्ता है जिसके थ्रू जो लाइट है वो अपनी आई के अंदर एंटर करती है. तो ये आई बॉल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. ये जो ब्लश पोर्शन है दैट इज कॉल्ड कॉर्निया. और इसके पीछे ये देखिए ये है ऑप्टिकल नर्व्स. अब इसमें देख लीजिए. अब मान लीजिए मैं इस आई बॉल को इस नाइफ से कट कर दूं, यहां सेंटर से अगर मैं इसको कट कर देती हूं तो ये इस तरीके का दिखेगा, राइट? अब इसके अंदर से आप तीन लेयर्स आपने लेनी है.
ठीक है, इसमें तो बहुत सारी लेयर होती है, पर सपोज ये बाहर की हमने 3 लेयर्स ले ली हैं, क्योंकि अपने आईज में भी 3 लेयर्स होती हैं, और अंदर आप सपोज कीजिए कि इसमें एक फ्लूइड फिल है। अब मैं बोर्ड के ऊपर आपको इस आई की एनाटॉमी दिखाऊंगी और उसके बाद रिटर्न में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मेरे साथ आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए। बच्चों, भगवान ने इस वर्ल्ड को एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया हुआ, बहुत सारी चीजों के 3 लेयर्स होती हैं, अपनी अर्थ उसके भी 3 लेयर्स हैं, अर्थ क्रस्ट होगी, मेंटल होगी, कोर होगी, अपनी बॉडी के भी 3 लेयर हैं, बाहर स्किन है, अंदर मसल्स हैं, तो बिल्कुल सेंटर में बोन होती है। आपने 9th क्लास में जो अपनी फंडामेंटल यूनिट सेल है उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी, उसमें भी 3 लेयर्स हैं, सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म हो गया, देन न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसे ही अपनी आईज के भी 3 लेयर्स होती हैं। यस, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये लेयर, इसको हम बोलते हैं फाइब्रस लेयर, और ये पीछे से इस तरीके से दिखेगी, आगे की साइड में आके थोड़ी सी ब्लज आउट होगी, राइट। ये इस तरीके का आउटर लुक आप बनाएंगे। तो जो पीछे वाला पोर्शन है, डबल लेयर आपने ड्रॉ करना है, जो हमें आई का पोर्शन दिखाई देता है, जो ये सामने से आपको आई दिख रही है, ये सिर्फ 1/6 पार्ट विजिबल होता है, बाकी सारा का सारा अपनी बॉडी कैविटी के अंदर होता है। पीछे वाला 5/6 पोर्शन बॉडी कैविटी में रहता है। अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस लेयर, एंड ये व्हाइट कलर की है, अभी अनियन के साथ कंपेयर करके मैंने बताया है। इसके पीछे वाला जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा, स्क्लेरा का ही कुछ पोर्शन हमें दिखाई देता है, ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है वो स्क्लेरा ही है। और ये वाला जो आगे का फ्रंट रीजन है, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया, कॉर्निया, क्लियर हो गया। अब आ जाइए दूसरी लेयर पे, अभी आपने इतना ही इसको देखना है। तो जो मिडल लेयर है, सेकंड लेयर भी बोल सकते हैं, मिडल लेयर भी, मिडल कोट भी कहते हैं इसको, तो इसका जो पीछे का रीजन है, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और उनकी वजह से बैक का कलर इसका कैसा हो गया, रेड, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड कोरोइड। क्या बोलेंगे इसको, कोरोइड। अब ये कोरोइड आगे आके जहां से ये कॉर्निया ब्लज आउट हो रहा है उस रीजन पे आके ट्राइंगुलर शेप का हो जाता है, स्लाइटली ट्राइंगुलर शेप का, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड सीलियरी बॉडी। क्या बोलेंगे इसको, सीलियरी बॉडी, और सीधा हम सीलियरी मसल्स भी कह सकते हैं। सीलियरी मसल्स के आगे अभी जो मैंने आपको ग्रीन कलर का सर्कल दिखाया था अनियन पे, दैट इज कॉल्ड आयरिस। तो आयरिस बेटा मिडल लेयर का ही फ्रंट पार्ट है। अब इसको अगर हम कट करेंगे तो ये जैसे मैंने कट किया था, तो जितना पोर्शन ये देखो ऊपर और नीचे का आपको दिखाई देगा, ये वाला रीजन। ये कैसे ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉइंग में इसको इस तरीके से दिखाएंगे, ये। अब ये दोनों साइड से आयरिस ने मिलके क्या बना दिया, बीच में पासेस, एंड दिस पासेस इज कॉल्ड प्यूपिल। जरा इनकी लेबलिंग कर देते हैं, ये बन गई आपकी आयरिस, एंड दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। जब भी आप डायग्राम की लेबलिंग करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखिए कि एरो उस पार्ट को इंडिकेट करना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, वर्ड की तरफ एरो का साइन करते हैं, तो वो भी गलत होता है। दोनों लेयर क्लियर हो गई, आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा, इट इज व्हाइट इन कलर, फ्रंट का जो रीजन है कॉर्निया, दैट इज ट्रांसपेरेंट, एंड द सेकेंड लेयर इज कोरोइड, मिडल लेयर हम इसको बोलते हैं, इसके खुद के 3 पार्ट्स होते हैं, कोरोइड, देन सीलियरी बॉडी, एंड देन आयरिस, 3 पार्ट्स। अब आ जाती है बेटा इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर जो है ये भी व्हाइट इन कलर होती है, और ये यहाँ सीलियरी बॉडी तक ही एक्सटेंडेड होती है, आगे नहीं जाएगी, राइट। इसमें 2 टाइप्स, इसका नाम होता है रेटिना, और इसमें 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, 1 इज रॉड सेल, अनदर इज कॉर्न सेल। और जिस रीजन में, इस रेटिना के जिस पोर्शन में इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती, यानी ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, दैट रीजन इज कॉल्ड येलो पॉइंट। और ये येलो पॉइंट इसके प्यूपिल के बिल्कुल सामने लाई करता है, तो इसको हम बोलेंगे येलो पॉइंट।
येलो स्पॉट भी या येलो पॉइंट भी बोल सकते हैं, येलो स्पॉट। और जो ये आपके रेटिना है इससे अराइज होती हैं ये ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स, राइट। इतना मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अब ये जो सीलियरी बॉडी है ये अपना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिस्टलाइन लेंस उसको होल्ड करके रखती है। ये देखिए ये किस शेप का है, जो आपने 10th चैप्टर में कन्वेक्स लेंस पढ़ा तो बिल्कुल कन्वेक्स जैसा ही है। इसका नाम क्या हो गया, ये है आपका क्रिस्टलाइन लेंस, राइट। और ये सीलियरी बॉडी इसको होल्ड करके रखती है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। मैं यहां इसकी लेबलिंग कर देती हूँ, ये क्या है बेटा, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, राइट। तो ये लेबलिंग आपको क्लियर हो गई। अब ये वाला जो रीजन है ये भी खाली नहीं रहता और ये भी खाली नहीं रहता, इसमें भी एक फ्लूड फिल रहता है और इसमें भी एक फ्लूड। तो जो ये रीजन है इसमें जो फ्लूड प्रेजेंट होता है उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसका नाम होता है बेटा एक्वस ह्यूमर, एंड इसमें जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। कॉर्निया जो कि ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसके बाहर ये एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बेटा, एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड आई मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। तो दूसरा नाम होता है इसका कंजंक्टिवा, ठीक है। ये आई को मॉइस्ट रखती है, वेट एंड मॉइस्ट रखती है। अब एक बार मोटा मोटा फिर से देख लीजिए, और आई हैज थ्री मेन लेयर्स, आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड फाइब्रस लेयर, इट हैज टू पार्ट्स स्क्लेरा एंड कॉर्निया। देन सेकेंड नंबर पे वेस्कुलर लेयर, वेस्कुलर लेयर के खुद के थ्री पार्ट्स होते हैं कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आयरिस, राइट। और जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड रेटिना, रेटिना और इसके अंदर टू टाइप्स की सेल्स होती हैं रोड सेल एंड कॉर्न सेल। रोड सेल्स लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, तो जो कॉर्न सेल होती हैं वो कलर के लिए सेंसिटिव होती हैं। अब एक बार इनका फंक्शन देख लीजिए, जो स्क्लेरा है इट इज ओपेक होती है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो रीजन है यहां से ये पेनेट्रेट रहती है। क्या कह आते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स भी आ रही है इस रीजन से, ये ब्लड वेसल्स आ रही है तो साथ में जो ऑप्टिक नर्व्स है वो अराइज हो रही है, तो यहां से ये कट है। लेकिन इसी स्क्लेरा का सामने का पोर्शन ट्रांसपेरेंट हो जाता है और बनता है कॉर्निया, कॉर्निया का फंक्शन होता है मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड लेयर जो है आपकी वेस्कुलर लेयर, तो जो कोरोइड है इसमें ब्लड वेसल्स बहुत होते हैं जो कि सेल आई के सारे ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जो सीलियरी बॉडी है ये इस आई लेंस को सस्पेंसरी लिगामेंट्स की हेल्प से होल्ड करके रखती हैं। और जो आयरिस है ये अपने बीच में एक हॉल प्रेजेंट होता है एंड दैट हॉल इज कॉल्ड प्यूपिल, एंड प्यूपिल रेगुलेट द अमाउंट ऑफ एंटरिंग लाइट। अगर मान लो आप ब्राइट लाइट में हैं तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाता है, आयरिस में क्या होगी कंट्रैक्शन जिससे पिपल का साइज छोटा हो जाएगा, और जब आप डार्क रूम में जाते हो तो आयरिस स्प्रेड आउट होता है, फैलता है जिससे पिपल का साइज भी बड़ा हो जाता है, और सो दैट की सफिशियंट अमाउंट ऑफ लाइट कैन एंटर इन यूर आईज एंड यू आर कैपेबल टू सी द ऑब्जेक्ट विच इज लाई इन द डार्क रूम, राइट। तो एंड ए फ्लूड इज प्रेजेंट बिटवीन दिस आई लेंस एंड कॉर्निया, that is called aqueous humor, like fluid is present between the eye lens and retina, that is called vitreous humor. A very thin membrane is present around the cornea that kept our eyes moist and is called conjunctiva. Retina ke upar yellow spot ke theek niche ek blind spot bhi hota hai, और उसकी एक्चुअल लोकेशन होती है बेटा जिस रीजन से ऑप्टिक नर्व्स अराइज होती हैं। अब ये तो आपको पता ही है कि ऑप्टिक नर्व्स रेटिना से ही अराइज होती हैं, तो उस स्पॉट पे अगर इमेज बनता है तो आपको इमेज दिखाई नहीं देता। इसके येलो स्पॉट के ऊपर आगे पीछे हर जगह पे
कॉर्न सेल और रोड सेल की स्कार्सिटी होती है, अगर वहां पे भी कहीं इमेज बनता, मान लो यहाँ बन रहा है या यहाँ बन रहा है या विट्रस ह्यूमर में बन रहा है, तब भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। कई बार कई बुक्स में इन अलग अलग पॉइंट्स को भी एज ए ब्लाइंड स्पॉट माना गया है, बट एक्चुअल जो लोकेशन होती है ब्लाइंड स्पॉट की वो यहाँ होती है जहां से ऑप्टिक नर्व्स अराइज होती है। आइए अब एक बार हम इसकी वर्किंग को देख लेते हैं कि ह्यूमन आई किस तरीके से देखने का काम करती है। जो रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रही है नेचुरली वो पैरेलल होएंगी, राइट? और ये आई लेंस रिफ्रैक्शन कितनी बार हो रही है, 4 times, और ये आई लेंस उस इमेज को कहां बनाएगा, रेटिना के येलो स्पॉट के ऊपर, और इमेज जो होगा दैट इज रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। और जैसे ही इमेज बनेगा इस रेटिना की कौन सेल एंड रोड सेल दोनों एक्टिवेट हो जाएंगी। कौन सेल जो है वो कलर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगी और जो रोड सेल होती हैं वो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगी। और जैसे ही सिग्नल बनेंगे उनको ऑप्टिक नर्व्स को दे दिया जाता है। ऑप्टिक नर्व्स इन सिग्नल को लेके कहां जाएंगी, ब्रेन के ओसिपिटल लोब में। ओसिपिटल लोब में इस इमेज की एक्चुअल इंटरप्रिटेशन होगी और फिर ब्रेन उस इमेज को इरेक्ट करके हमें दिखाता है। तो यानी जो आई है वो ऑब्जेक्ट्स को हमें इन्वर्टेड पोजीशन में दिखाती है। तो एक्चुअल देखने का काम कौन कर रहा है, ब्रेन। आइए अब इस सारे स्ट्रक्चर को और वर्किंग को हम एक छोटी सी वीडियो और थ्योरी से रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जो अभी स्ट्रक्चर हमने व्हाइट बोर्ड पे की है आई की, इन पिक्चर्स के थ्रू एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो लोकेशन कहाँ होती है बेटा, ये है हमारी बॉडी का स्कल, और इस स्कल में ये जो दो कैविटी आपको नजर आ रही हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट, और इन ऑर्बिट्स के अंदर अपने आई बॉल, जो अभी मैंने अनियन का दिखाया था, ये देखिए आई बॉल सामने से देखने पे ऐसा नजर आता है। ये जो व्हाइट रीजन है इसको स्क्लेरा बोलते हैं, यहाँ पे ये वाला ब्लू रीजन दिखाई दे रहा है इसको हम आयरिस बोलते हैं, और आयरिस के बीच में जो ये हॉल नजर आ रहा है इसको बोलते हैं प्यूपिल। अगर हम इसको साइड व्यू से देखेंगे तो ये आपको इस तरीके का दिखाई देगा, ये बीच में पूरा आई बॉल है, व्हाइट रीजन स्क्लेरा है, और इसमें जो ये गोल्ड डिस्क दिखाई दे रही है दिस इज द आयरिस, और इस आयरिस के ऊपर ये वाला जो रीजन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कॉर्निया। ये जो आई बॉल है इस ऑर्बिट के अंदर कुछ मसल्स की हेल्प से होल्ड रहता है, एंड दीज मसल्स आर नोन एज एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स। तो होप कि जो आई की लोकेशन है वो आपको क्लियर हो गई होगी। लोकेशन देखने के बाद अब हम जानेंगे शेप एंड साइज। द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप विद डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। फ्रंट से देखने पे हमारी आईज इस टाइप की दिखाई देती है, देखिए ये आईब्रो है, दिस इज द आई लीड, और जो व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है ये स्क्लेरा है, और जो ब्लू रीजन दिखाई दे रहा है दैट इज आयरिस, और इसके बीच में जो ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। अब थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कीजिए, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन ऑफ अवर आई, इसमें भी आपको 3 layers दिखाई दे रही हैं, पीछे से इनके नाम है, बाहर वाली को स्क्लेरा और सेंट्रल कोरोइड और इनर मोस्ट लेयर इज रेटिना। स्क्लेरा का जो फ्रंटल पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉर्निया, और कोरोइडर के फ्रंटल पार्ट बन जाते हैं सिलियरी बॉडी एंड आयरिस। और जो रेटिना है बेटा ये सिर्फ यहीं तक सिलियरी बॉडीज तक ही एक्सटेंडेड रहता है, और जो सिलियरी बॉडी है ये आई लेंस को होल्ड करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। लेंस और कॉर्निया के बीच में एक फ्लूइड फिल रहता है दैट इज कॉल्ड एक्वियस ह्यूमर, और इधर लेंस और रेटिना के बीच में भी एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है दैट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच पार्ट्स ऑफ आई बॉल। आई बॉल हैज 3 main layers। फर्स्ट जो लेयर है बेटा दैट इज फाइब्रस लेयर या आउटर मोस्ट लेयर, इट्स पोस्टीरियर लार्जर पार्ट
is white in color, which is called sclera, and the anterior smaller part become transparent and blurs out. Part is called cornea. अब इस fibrous layer का function क्या है? First function है, this layer protect the inner part of eye from external shocks. Second, sclera provide shape to the eyeball. And the third function है इसका, cornea helps in maximum refraction of entering light. Second layer आती है vascular layer और we can say middle layer. This layer has three parts. Posterior part called choroid. It is enriched by blood vessels, and anterior parts are ciliary muscles and iris. Iris is circular in shape. Function देखिए vascular layer के क्या है बेटा? First है choroid provides nutrients and oxygen to all parts of eye. Ciliary muscles hold the crystalline lens with the help of suspensory ligaments. Color of iris determines the color of eyes. It has generally four colors: black, brown, blue and green. हम इंडियंस का generally brown color होता है eyes का. Iris का function देखिए. Iris has a hole within which is called pupil. Pupil regulates the amount of entering light. It become larger in dark and shorter in bright light. Size of pupil is controlled by iris. The third or innermost layer of eye is retina. It is present behind the eye lens. It has two layers: pigmental layer, which consists of cone cell and rod cell, and neural layer, area of retina where cone cells and rod cells are found in abundance, is called yellow point, which lie in front of eye lens. A region from where the optic nerves are arise is called blind point. क्यों कहते हैं इसको blind point? क्योंकि यहाँ पे cone cell and rod cells किसका सिटी होती है वो नहीं प्रेजेंट होती, और यहाँ पे अगर कोई इमेज बनता है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता. अब रेटिना का फंक्शन देख लीजिए. फर्स्ट फंक्शन आता है, इट एक्ट एज ए स्क्रीन फॉर इमेज फॉर्मेशन. कॉर्न सेल्स डिटेक्ट द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड रोड सेल्स आर एक्ट एज ए फोटो रिसेप्टर. बोथ सेल्स कन्वर्ट द इमेज इन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड ट्रांसफर टू द ऑप्टिक नर्व्स. नेक्स्ट आता है बेटे क्रिस्टलाइन लेंस. इट इज मेड अप ऑफ फाइन मसल्स. इट इज ट्रांसपेरेंट एंड कॉन्वेक्स शेप्ड. इट लाई बिहाइंड द पीपल एंड इज हेल्ड बाय सीलियरी मसल्स विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स. फंक्शन क्या है इसका क्रिस्टलाइन लेंस का? इट हेल्प्स द आई इन एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ एज वेल एज इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. It also separate the two fluids present in the eye. Next, आता है हमारी आई का पार्ट aqueous humor. It is a transparent fluid present between the cornea and the eye lens. और इसका फंक्शन क्या होएगा? It keep the blurred region of cornea in right position and help in refraction of light. नेक्स्ट जो सेकेंड फ्लूड है दैट इज द विट्रस ह्यूमर. इट इज अ जेली लाइक फ्लूड प्रेजेंट बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना. एंड फंक्शन ऑफ दिस फ्लूड इज इट प्रिवेंट द आई फ्रॉम कॉलेप्स. इट ऑल्सो हेल्प इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नेक्स्ट आता है बेटा कंजक्टिवा. इट इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन दैट कवर द फ्रंट ऑफ आई एंड लाई इन साइड द आई लिड्स. इट इज पिंक और कईयों में रेड कलर की भी होती है. फंक्शन क्या है? इट कीप्स आई मॉइस्ट एंड लुब्रिकेटेड. अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई. अवर आई वर्क्स इन ए सिमिलर वे लाइक ए कैमरा. व्हेन वी लुक एट एन ऑब्जेक्ट
लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट एंड एंटर इन आवर आईज थ्रू कॉर्निया वेयर मैक्सिमम रिफ्रैक्शन अकर्स एंड देन इट पासेस थ्रू द एक्वियस ह्यूमर एंड देन पिपिल एंड देन लेंस आफ्टर लेंस इट रीचेस विट्रस ह्यूमर फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना एट इट्स येलो पॉइंट When this image is formed, the cone cell and rod cells become stimulated and convert the image into electrical signals and pass it to the optic nerves. The sensory optic nerves carry the signals to the occipital lobe of the brain where the complete interpretation of image takes place and image will be corrected and sent back to the eye. Through motor optic nerves, then we can see the object. This means the actual seeing work is done by the brain. Now, what's the next part to completely understand the working of human eye? This candle can help us understand how the eye captures images and then sends them to the brain. First, the candlelight passes through the cornea. As it does, it's bent or refracted onto the lens. As the light passes through the lens, it's bent a second time. Finally, it arrives at the retina where an image is formed. This double bending, though, has reversed the image and turned it upside down. If that was the end of the story, the world would always appear upside down. Fortunately, the image is turned right side up in the brain. Before that can happen, the image needs to travel as impulses along the optic nerve and enter the brain's occipital lobe. When the image forms there, it regains its proper perspective.